नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लॉयंस क्लब कहें या समाज सेवा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज सेवा क्या होती है ये अगर समझना हो तो लॉयंस क्लब को समझ लीजिए। हमेशा से समाज के लिए काम करने वाले लॉयंस क्लब केवल एक समाज सेवी संस्था ही नहीं बल्कि एक विचार है, एक भावना है, जिसके कारण लॉयंस क्लब हमेशा से समाज के लिए काम करता आया है। आज इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के अलीगंज में रक्तदान महादान मुहिम के तहत लॉयंस क्लब लखनऊ विश्वास और लॉयंस क्लब लखनऊ उद्यमी के द्वारा एक ब्लड बैंक खोला गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयंस इंटरनेशनल के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर विधायक नीरज बोरा ने ब्लड बैंक को बहुत जरूरी बताया। कार्यक्रम में इस ब्लड बैंक के संयोजक लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश जैन के साथ इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल मंडल 321B1 के उपमंडलाधीश प्रथम लॉयन डॉक्टर आरसी मिश्रा और उपमंडलाधीश द्वितीय लॉयन परमजीत सिंह, लॉयन आनंद अरुणेश, लॉयन राजीव जैन, लॉयन विशाल दीक्षित समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ लॉयन पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। लॉयंस क्लब कहो या समाज सेवा का बहु नाम कहो, जो हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करता है, तमाम माध्यम है, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या फिर रक्तदान महादान की जैसी मुहिम की बात करें, बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, उन अभियानों के माध्यम से आम जनता की सेवा की जाती है। राजधानी लखनऊ के इस समय हम खड़े हैं अलीगंज जिला के, और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी, जो यहाँ पर लॉयंस क्लब लखनऊ विश्वास और लॉयंस क्लब लखनऊ उद्यमी के द्वारा एक ब्लड बैंक का उद्घाटन करने आ जाएंगे। क्या बोलेंगी, बड़ा अभियान, बड़ी सोच, बड़ी पहल? जी बिल्कुल, आज आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिए हैं बट लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपको एक बात बताऊँ कि मेरी भी शुरुआत जो समाज सेवा की हुई है वो लॉयंस क्लब से हुई है, और मैं लॉयंस क्लब में बहुत दिनों से काम कर रही हूँ और अच्छी अच्छी उस पर भी रह चुकी हूँ स्थान पे। तो मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ से मेरा राजनीतिक कैरियर जो शुरू हुआ है वो भी कहीं ना कहीं समाज सेवा को प्रेरित करते हुए ही है, कि मेरा राजनीति में आना भी समाज सेवा को ही समर्पण है कि मैं समाज को क्या अच्छा दे सकती हूँ और क्या अच्छा समाज के लिए कर सकती हूँ। तो आज यहाँ लॉयंस क्लब लखनऊ में एक ब्लड बैंक का उद्घाटन आज किया है, यहाँ गवर्नर हैं मुकेश जैन जी, जिनके सानिध्य में, क्योंकि अभी तक यहाँ ब्लड बैंक नहीं था। और मुझे लगता है कि ब्लड बैंक की ज़रूरत तो हर जगह है और जितने भी हों उतने कम हैं, क्योंकि एक ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी कंपनी में नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जिसको सिर्फ इंसान से और इंसान के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। और सिर्फ ब्लड ही नहीं, ब्लड से भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ब्लड से मिलती हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली यहाँ के गवर्नर मुकेश जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस सोच के साथ यहाँ एक ये ब्लड बैंक खोला है लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए। और लॉयंस क्लब की अगर बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो समाज में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ लॉयंस के मेंबर खड़े हुए मिलते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि इस तरह की जब संस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज के और भी लोगों को काम करने की प्रेरणा मिलती है, और स्पेशली आप लोगों के माध्यम से जब आप लोग दिखाते हैं और जब समाज में, क्योंकि अगर भगवान ने किसी को थोड़ा कमज़ोर और किसी को थोड़ा ऊपर बनाया है तो ये एक ईश्वर की कृपा है, पर अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक हैं तो नीचे कमज़ोर वर्ग की ज़रूर मदद करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो इसी सोच के साथ ये आज यहाँ उद्घाटन किया। ये बात तो लॉयंस क्लब की हुई है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, बड़ा पद है, बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर और क्या कुछ पहल करने वाली, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ ब्लड बैंक होने चाहिए, होने भी चाहिए, राजधानी लखनऊ है, 45,000 से ज़्यादा की आबादी है, तो इस यहाँ पर कुछ आपकी तरफ से कोई और पहल की जाएगी? ये तो लॉयंस की बात हो गई, कुछ राज्य महिला आयोग की पहल करने वाला भविष्य में? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो राज्य महिला आयोग की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि महिलाओं के फील्ड में जहाँ भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, वो अगर इस तरह की सेवा की भी ज़रूरत होगी तो मुझे भी अगर कहीं भी समाज सेवी संस्थाओं का अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो मैं 100% लूँगी। और अभी जो मेरा मोटिव है वो ये है कि चाहे वो क्या कहते हैं स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, तो मुझे लगता है कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी और जहाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम इस बात पे कर सकूँ कि जहाँ महिलाएं खुश रहें, संपन्न रहें, आत्मनिर्भर बने, स्वस्थ रहें और मुस्कुराती रहें। समाज से भी संगठन बहुत है, आप भी लॉयंस से जुड़ी हुई हैं,
लायंस कैसे अलग है, क्योंकि लगातार मुहिम चलाता है, अभियान चलाता है। लायंस अलग है? लायंस कैसे अलग है? लायंस नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि पूरा विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, तो निश्चित इसके पास मेंबर्स बहुत हैं। मेंबर्स बहुत हैं तो हाथ बहुत सारे हैं काम करने के लिए। दूसरा, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में ये काम कर रही है, तो निश्चित रूप से कि ये कह सकते हैं कि लायंस मेंबर 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, और लायंस क्लब के मेंबर्स हैं जो कि हर वक्त समाज सेवा में लगे रहते हैं। और अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूं, तो भी आपको पता होगा कि कोविड में भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिक्र कर चुके हैं कि ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हम शायद किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मास्क वितरण वाली बात थी, चाहे वो वैक्सीनेशन वाली बात थी। तो मुझे लगता है एक विश्वसनीय संस्था है, तो हमें जुड़ना भी चाहिए और हम इनसे जितना सहयोग ले सकते हैं हमें लेना भी चाहिए जी। तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि लायंस समय समय पर ऐसी पहल करता रहता है, अभियान चलाता है, जो कि समाज की बहुत ज़रूरत है। समय पर आने वाले समय में और तरह के अभियान चलेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ब्लड बैंक इस समय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी के हिसाब से अगर कोई परेशान होता है, कोई बीमार होता है, तो सबसे ज़्यादा उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, और ये मुहिम लायंस की आने वाले समय में और भी बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर। हमारे साथ मौजूद हैं लायंस इंटरनेशनल के पूर्व डायरेक्टर जितेन सिंह चौहान जी। क्या बोलेंगे सर, बड़ी पहल है, बड़ा अभियान है, लायंस का है, समाज सेवा का है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं 100%। और मैं सबसे पहले तो मुकेश जी को, उनकी पूरी टीम को, उनके दोनों 22 गवर्नर्स मिश्रा जी और चावला परमजीत जी, उनको बधाई देता हूँ, कि और उनकी सारी कैबिनेट के ऑफिसर्स को बधाई देता हूँ कि मुकेश जी बड़े मन से सारे काम कर रहे हैं। मैंने उनके सारे प्रोग्राम्स में आने का मौका नहीं मिला, बट मैंने देखे बबीता जी उनके कई प्रोग्राम्स में आई हैं, और जिस मन के साथ वो काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है अच्छे मन से काम करते हो ईश्वर आपके साथ होता। आज आप देख रहे हैं कि ये ब्लड बैंक की स्थापना हुई है, बहुत सारी ब्लड बैंक्स होंगी, लेकिन मैं आने वाले समय के लिए इनको शुभकामनाएं ये देकर जा रहा हूँ कि ब्लड ब्लड के बदले ब्लड, मतलब कोई व्यक्ति डोनेशन करने आया, उसको हमने ब्लड वापस कर दिया है, ये तो एक आम बात है, और ब्लड बैंक भी कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि लायंस की ब्लड बैंक इस बात से जानी जाए कि किसी के पास अगर देने के लिए भी ब्लड नहीं है तो बिना एक्सचेंज के उसे ब्लड मिलाए, और इसी पर हम लोग काम करेंगे। और उसके लिए आने वाले समय में, इस समय जितना मुकेश जी काम करेंगे, उसके बाद मिश्रा जी हैं, उसके बाद हमारे परमजीत जी हैं, मिलकर हम मोबाइल वैन भी लाएंगे, जो देहात में जाएगी, जगह जगह स्कूल्स में जाएगी, वहाँ से ब्लड इकट्ठा करेगी, और हमारी मुहिम में ये होगी कि आने वाले समय में अगर किसी को, व्यक्ति को, कोई गांव या देहात से आया है, उसका मरीज किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे एक बात ध्यान होनी चाहिए कि लायंस के ब्लड बैंक में जाएंगे तो मुझे ब्लड बिना दिए हुए भी ब्लड मिलेगा। यही हमारी सबसे बड़ी मुहिम होगी, और मेरा आज उद्घाटन करना भी तभी सार्थक होगा कि जब ये मुहिम सार्थक होगी। ये बड़ा सवाल आपसे रहेगा कि इंटरनेशनल डायरेक्टर रहे हैं, अनुभव अगर देखें, बाहर का अनुभव, विदेशों का अनुभव और हिंदुस्तान का अनुभव, क्या अंतर पाते हैं? कुछ अलग है या लाइन सब जगह एक ही है? अनुभव बहुत बड़ा है, बाहर उतने अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेवा यहाँ करने के मौके बहुत हैं, वहाँ लोगों के पास धन बहुत है, समय की कमी है, और उनके पास सेवा करने के मौके बहुत कम हैं। अपने पास दोनों चीज़ें हैं, अपने पास मन भी लोगों का बहुत है, सेवा करने के लोगों की जगह बहुत हैं, और मुझे लगता है कि लोगों का धन न होते हुए दिल बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आज देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, अगर समाज सेवी संगठन काम ना करें, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी सरकार तभी सफल होती है जब सामाजिक जीवन हो। सरकार का क्या मतलब, सरकार और समाज जब मिलते हैं तभी एक नई दुनिया का निर्माण होता है, और मुझे लगता है कि बबीता जी जिस तरह सक्रिय हैं, और वो लाइन्स में भी अब जब भी ज़रूरत होती है देती है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में लाइन्स के माध्यम से किस तरह से हम और ज़्यादा सेवा करें। और सबसे बड़ी बात एक और चैनल से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को एक भ्रम पाला हुआ था लोगों ने कि महिलाएं ब्लड डोनेशन कम करती हैं या उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है, बहुत सारी हमारी महिलाओं का जब ब्लड चेक किया जाता है और उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, तो उनका 14 और 13 और 15 जब होता है, 100% डॉक्टर्स ने कहा है कि जब उनके पास ब्लड का हीमोग्लोबिन ठीक है तो वो आराम से कर सकती हैं, कोई मना ही नहीं है। ये अवेयरनेस आई है, ये कैसे आई है, बबीता जी जैसे लोग जब समाज में गए, उन्होंने कहा कि महिलाओं को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, तो लोगों महिलाओं ने ब्लड डोनेशन किया। पहले हम बात थी कि लोगों से कहा नहीं, महिलाएं ये ब्लड नहीं दे सकती, आज जब महिला पायलट प्लेन उड़ा सकती हैं, आज महिला बॉर्डर पर जा सकती हैं, आज महिला देश की सुरक्षा के कर सकती हैं, तो आज महिला क्या किस चीज़ को नहीं कर सकती है। आज इसी तरीके से गाँव में अभी अवेयरनेस बहुत कम है, और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो बात मेरी सुनेंगे, मैं उन गाँव के साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ रहते हुए
100% ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि मैंने अभी देखा है वो ब्लड देने से डरते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं, उनको लगता है अगर हमने दे दिया तो मेरा कम हो जाएगा, उन्हें पता नहीं और नया ब्लड बनेगा 24 घंटे के अंदर, उससे अच्छा ब्लड बनेगा। तो जब भी मौका मिले साल में एक बार, और अगर बहुत ज़्यादा खुश है तो दो बार करें। ये बात तो ही शहरों की, गाँव की बात यहाँ पर छेड़ दिया आपने, गाँव में मुहिम कैसे बढ़ाएँ कि उनको बेहतर करने के लिए, उनको विकास की धारा में लाने के लिए, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए अलायंस कोई पहल करने वाला है? 100% जो आप बात हो रही थी ना हमारी, कि हम लोग चाहे आई बैंक बनाने का प्लानिंग मुकेश जी का चल रहा है, चाहे हमारा मुकेश जी ने कहा है कि हम मोबाइल वैन खरीदेंगे वो गांव में जाएंगे। अभी क्या है, गांव का लोग 50 युवाओं से बात करें उसमें 10 ऐसे होते हैं वो ब्लड देना चाहते हैं पर वो लखनऊ नहीं आ सकते, लेकिन उनसे अगर कहेंगे कि आप छोटा सा अपना ग्रुप बनाओ और वहाँ आप ब्लड कैंप लगाओगे हम आएंगे, तो जब 10 लोगों को देते हुए लोग देखेंगे तो 50 भी कहेंगे हम भी दे सकते हैं ब्लड। तो ये मुहिम हमारी रंग लाएगी जब कि जब हम चलो गाँव की तरफ। अभी तो लाइन्स के लोग सेवा करते थे शहर में, अब चलो गाँव की तरफ भी होगा ये, चाहे वो ब्लड बैंक के माध्यम से हो। और हमारी कोशिश है, और मुकेश जी से मैं आज कहकर भी जाऊंगा कि आने वाले समय में जो गांव के स्कूल्स हैं, क्योंकि उनका अकेला लखनऊ नहीं है, ऐसे 17-18 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट से अंतर्गत आते हैं, वो गाँव के स्कूल्स में बच्चों की आई स्क्रीनिंग जरूर कराएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में जाके कहते हैं भाई सर में दर्द है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा, उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है, लेकिन उनकी आई साइट बहुत कम होती है। जब उनकी विजन टेस्ट होता है तब पता चलता है कि इसको तो चश्मे की ज़रूरत है, ना वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं नहीं गाँव में, और ना वो चश्मा खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चों के साथ जुड़े और लाइन्स क्लब उनको निःशुल्क चश्मा भी दिलाएँ और निःशुल्क कैंप भी करें। तो मुझे लगा ये ड्राइव भी चलाएँगे मुकेश जी, और हो सकता है अगर ये बड़ी ड्राइव होगी तो निश्चित तौर पर अब गांव की तरफ भी लोगों की अवेयरनेस भी आएगी। ये मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है, बड़ी पहल है। हमेशा हमने देखा है चाहे बाढ़ पीड़ितों की बात हो या ब्लड बैंक की बात हो या अन्य समाज से भी समस्याओं की बात हो, हमेशा जुड़े रहते हैं। क्या बोलेंगे, बड़ी पहल बड़ा ब्लड? कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा डाउन टू अर्थ हूँ, आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूँ, लेकिन जो टीम साथ में जुड़ी है उसके साथ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी जैन भाई ने बात कही कि चलो गांव की ओर, और हमारी मुहिम चल रही है, हमारा विज़न स्क्रीनिंग सेंटर चल रहा है, हम चश्मे भी फ्री में बांट रहे हैं और इसको और ज़्यादा तादाद में बांटेंगे। ब्लड बैंक आज जो हम लोगों का बहुत दिनों का सपना था, सालों का सपना था, आज साकार हुआ, हर लॉयन हर व्यक्ति खुश है, और ये अब आगे बढ़ बढ़ करके और भी डोनेशंस करेंगे और इस फील्ड में लाएंगे। ज़्यादा ना टाइम लेते हुए थैंक यू वेरी मच, सब लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र भाई का, भाभी का, इन्होंने समय दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारे सदस्यों का। दो छोटे सवाल, क्यों इन्होंने अभी बताया जितेंद्र चौहान जी ने कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि अगर डोनेशन नहीं है, डोनर नहीं है, तब भी ब्लड मिलेगा, यानी जो परेशान है जिसके पास कोई डोनर नहीं है वो भी यहाँ पर निराश होकर नहीं जाएगा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारी मुहिम यही है, लेकिन जैसा उन्होंने पहले भी कहा, ये वो बैंक है जहाँ पर कोई हम प्रोक्योर नहीं कर सकते अलग से, कोशिश रहेगी कि प्रोक्योरमेंट हो उसके बाद दिया जाए, लेकिन अगर कोई इस तरह का है तो उसकी भी सुविधा पूरी तरह से दी जाएगी, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि बिना रिसीविंग के काम नहीं होगा, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि जो गरीब होंगे जिनके पास इस तरह का साधन नहीं है उनको हमेशा यहाँ पर ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारे साथ पीडी गुप्ता जी जुड़े हुए जो ये बैंक देखेंगे, देख रहे हैं, ये आश्वस्त करेंगे आपको कि ये इस तरह का काम करेंगे। मैं तो एक वो हूँ साथ में सूत्रधार, बाकी मेन इनको करना है, ये पीडी भाई हमारे पीडी गुप्ता जी जिनके सहयोग से ये ब्लड बैंक चलेगा। गांव की बात चल रही थी, गांव में कब यहाँ पर मुहिम शुरू होने वाली है? शहर तो हम लोग, हम चाहते हैं कि लाइन्स के खिलाफ गांव की तरफ भी क्रांति हो। देखिए गांव हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कहा ना कितने हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे गांव में मुहिम चल रही है, चलानी नहीं है हमको, ऑलरेडी चल रही है, इसको मुझे और आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं गांव में चले, हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, खटीमा है, गोंडा है, गोला है, बलरामपुर है, सब वहाँ पर छोटे छोटे शहर, वहाँ पर चल रही है मुहिम ऑलरेडी, लखनऊ के सराउंडिंग में चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है, इसको और थोड़ा विस्तार में करना है। ब्लड बैंक लेके जाएंगे वहाँ भी? सर हमने कहा ना अभी यहाँ पे हमारे पास दो काउच है, हम इसके लिए डोनेशंस के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द हम यहाँ पे एक वैन करा दें जो कहीं पे भी जो डोनेशन लगे ब्लड डोनेशन वहाँ पे पहुँच जाए आराम से। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, निर्वाह कैसे होगा? बहुत आप लोग के सहयोग से, मुकेश भाई के सहयोग से आगे तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिप्लेसमेंट सिस्टम पे चलेगा, जो भी ब्लड देगा उसके बदले ब्लड देंगे, क्योंकि ब्लड हम जो वॉलंटियर होता है उसी के बदले ब्लड दिया जाता है।
तभी आने वाले समय में जो कहा गया है कि अगर कोई नहीं भी होगा तभी उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास स्टॉक में है तो कोई खाली नहीं जाएगा। देखिए लायंस क्लब, आप लोग चूँकि स्वयं जानते हैं, लायंस क्लब परिवार से जुड़े हुए आपका मीडिया परिवार है, और लायंस क्लब एक विश्व की सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन है, और प्रशंसा की बात यह है कि ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में खुला है। ब्लड एक बहुत बड़ी सेवा है, और इसकी उपलब्धता कराना और उन दरों पे उपलब्ध कराना जिस पर सरकारी दरें पे प्राइवेट में ब्लड में उपलब्ध हो, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा, पूरे लखनऊ को लाभ होगा। जहाँ डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होने पर बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ब्लड बैंक्स में लाइन लगती है, वहाँ पर मुझे लगता है ये लायंस क्लब का ब्लड बैंक मील का पत्थर साबित होगा। इसके गवर्नर मुकेश जैन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ इस क्षेत्र के लोगों की ओर से कि उन्होंने जो सौगात दी है वो सराहनीय है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। एक सवाल सिंपल रहेगा, डेंगू की आपने बात कही, प्रकोप फैल रहा है, प्रयास जारी है, उत्तर विधानसभा में क्या कुछ अलग कर रहे हैं जिससे इसको रोका जा सके? उत्तर विधानसभा में हम लोगों ने पहली तारीख से सघन अभियान छेड़ा है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, और कोई भी क्षेत्र छोड़ नहीं रहे जहां पर हम एंटी मलेरिया डी लार्वा का छिड़काव ना कराएं। और मुझे लगता है कि अगर हम पूरा ग्राफ उठा के देखें विगत वर्षों का, तो आपको लगेगा कि इस बार का जो नियंत्रण है वो काफ़ी हद तक कामयाब है। डेंगू इस समय पूरी दुनिया के अंदर महामारी के रूप में आया है, पूरी दुनिया में 1,20,00,000 डेंगू के मरीज हैं, पूरी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसलिए डेंगू खाली यहाँ लखनऊ का नहीं है, देश का नहीं है, पूरे दुनिया में है, और उस पर नियंत्रण अच्छा हो रहा है। तो मैं आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका जो ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान चालू हुआ था 2017 से, वह कारगर सिद्ध हुआ है और उससे हम लोगों ऐसी महामारियों से बचाने में सफल हुए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।